हो जाइए, मैं कोई मालवाल नहीं हूँ और ना मैं कोई गुमशुदा हूँ, मैं चिड़ियाघर का बाबूजी हूँ। लेकिन हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? विश्वास नहीं है? नहीं तो चलिए मेरे साथ अभी मेरे घर चिड़ियाघर चलिए, वहाँ जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए चिड़ियाघर, चलिए चिड़ियाघर। क्या हमने तो आपको डूबता हुआ जहाज इसलिए सौंपा था कि आप उसे पार लगाएंगे, लेकिन आपने तो जहाज पानी में डुबो दिया। सॉरी सर, सर कॉपीज मैंने नहीं, मेंढक ने डुबाई थी। मेंढक तो पानी में डूबता ही है, लेकिन मेंढक के साथ साथ तुमने कॉपियां भी पानी में डुबो दी। बच्चों की पूरे 2 महीने की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, और इसके लिए अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त मिस कर सकता हूं। नहीं सर, सर प्लीज आप ऐसा मत करना, फुल स्टॉप। सर आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं सारी की सारी कॉपीज फिर से बनाकर आपको दे दूंगा। डॉक्टर सर प्लीज, सर मुझ पर विश्वास कीजिए। सर मैं बहुत सिंसियर हूँ, एक मौका दे दीजिए सर। डॉक्टर सर प्लीज, सर एक मौका दे दीजिए। ये बच्चों जैसा रवैया बंद करो गौमुख, हमें तो अब तुम्हारी काबिलियत पर भी शक होने लगा है। सर मैं साबित कर दूंगा कि मैं सिंसियर टीचर हूँ, मैं काबिल टीचर हूँ। सर एक 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 लास्ट चांस सर, सर प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए सर। अब छोड़ो मेरी पतलून, ये मेरे ससुर जी की पतलून है, अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने इसे कैसे सेट किया है। सॉरी सर। ठीक है, अब तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो हम तुम्हें चेक करने के लिए एक दूसरी जिम्मेदारी सौंपते हैं। थैंक यू सर। सर मैं अपनी जान पर खेल कर उस। ज्यादा बड़ी बातें मत करिए मिस्टर गौमुख, इस बार आपको आज के आज 1 दिन के अंदर अपने सब्जेक्ट के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर सेट करना है। जी सर। देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। हो जाएगा सर, हो जाएगा, फुल स्टॉप। हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी काबिलियत उस क्वेश्चन पेपर पर टिकी हुई है। और हाँ, कल सुबह मुझे पेपर के 3 अलग-अलग सेट चाहिए, और इस काम के लिए अगर आप घर जाके तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से जा सकते हैं। जी सर। ऑल द बेस्ट। प्रिंसिपल साहब आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। भला बताइए, 1 दिन में क्वेश्चन पेपर के 3 सेट, इम्पॉसिबल। मैडम, प्रिंसिपल साहब स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, इनकी बैड लक माइनस में चल रही है। बताइए तो जरा, आज किसका चेहरा देखा था आपने? स्कूल को देर हो रही है बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। कैसी बातें कर रहे हैं आप, फुल स्टॉप। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, फुल स्टॉप। मैं मानता हूं आज भी मैंने सबसे पहले बाबूजी का चेहरा देखा था, डॉट। लेकिन कॉपीज पानी में गई, उसमें मेरी गलती है, फुल स्टॉप। उज्जवल जी की बातों पर विश्वास कीजिए, पहले मैं भी इनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती थी, पर सच बताऊं आपको, ये सही कहते हैं। ये चेहरे वाली बात ना मैंने खुद महसूस की है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, अब मुझे घर जाने दीजिए, मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करना है। डॉट। बाय। बहुत जल्द इन बातों पर आपको विश्वास हो जाएगा मिस्टर गौमुख। अरे बेटा, कोई है घर में? हेलो, अरे कोई है घर में? बाबूजी पुलिस की हिरासत में, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी किससे कर ली फाइट, टेंशन ही कर दी टाइट। हमारे बाबूजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए प्लीज। हमारे बाबूजी ने चूहा क्या चींटी भी आज तक नहीं मारी है। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं किया, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो इनकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे हवालात में जिंदगी भर के लिए डाल दीजिए, लेकिन मेरे बाबूजी को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब प्लीज। हाँ इसे ले जाइए प्लीज, हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बाबूजी को प्लीज। ओहो चुप। बेटा ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज प्लीज आप हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए। ओहो, बिना बात को समझे ही गाय की तरह रंभाना शुरू कर दिया। मेरी बात सुन, हुआ ये कि इन बाजार वालों ने, अगर बाजार वालों का कुछ नुकसान हुआ है तो हम अपना सब कुछ बेचकर इनके नुकसान की भरपाई कर देंगे, पर आपको जेल नहीं जाने देंगे बाबूजी, आपको जेल नहीं जाने देंगे।
इन बाजार वालों के साथ साथ लगता है मेरे घर वाले भी पागल हो गए हैं। बेटा, पुलिस वालों के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई अपराध किया है या फिर इन बाजार वालों का मैंने कोई नुकसान किया है। हाँ, बाबूजी ने कोई नुकसान नहीं किया है। आप बस मेरे 1,00,000 रुपए मुझे दे दो, हम चले जाएंगे। आधे आधे की बात हुई थी, 50-50 आधा ना करेंगे ना। चुप, 1,00,000 मुझे चाहिए। हट, अरे नहीं, अरे मेरा 1,00,000। ये जवान से पलटा मेरा पैसा। अरे जब आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ तो आपको 1,00,000 रुपए क्यों दे दें क्वेश्चन मार्क। चुप, पहले तो तू अपनी जबान बंद रख, ये सारा कुछ तेरी वजह से। सबसे पहले तो ये बता कि तूने बाजार में सबको जाकर मेरी फोटो क्यों दिखाई और कहा कि मैं खो गया हूँ और मुझे ढूंढने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम मिलेगा। क्यों ये सब नाटक किया तूने? क्या भैया, बाबूजी की फोटो बांटते बांटते घूमते आपसे उम्मीद नहीं थी भैया 1,00,000 रुपए का इनाम? ऐसे कैसे भैया, फोटो बांट रहे हैं आप? नहीं भाभी, देख रहे हैं आप? गोबू भैया, ये क्या किया आपने? क्यों किया ऐसे? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, इन्होंने फोटो नहीं बांटी। मैंने कहा था ना कि थोड़ा तगड़ा था। अयो इंस्पेक्टर साहब, मेरे तीनों बेटों में सबसे ज्यादा मोटा और तगड़ा यही है, ये गोमुख। पर बाबूजी, मैंने इसने फोटो दे दी और 1,00,000 रुपए इनाम भी बताया था। इसने दिया था फोटो। अरे यही था फोटो बांट के गया। अरे यही मेरी दुकान में आया था भाई, यही मेरी दुकान में आया था। यही है। क्यों बेटा मेंढक प्रसाद, क्या कह रहे हैं सब लोग? बेटा बताओ कि ये तुम्हारे बाबूजी खो गए थे कि नहीं? हाँ इंस्पेक्टर अंकल, हमारे बाबूजी खो गए थे, आपने ढूंढ लिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, हमारे बाबूजी मिल गए, हमारे बाबूजी मिल गए। अब मिल गए ना, तो दो हमारे पैसे। हाँ। चुप। बेटा ये बता कि तुझसे किसने कहा था कि मैं खो गया हूँ? ये जो है ना फल वाले अंकल, इन्होंने कल हमसे कहा था कि आप कहीं खो गए। बोल क्या कह रहा है ये? बेटा एक बात बता ही देता हूँ, ये वो बाबूजी है ही नहीं जो हमेशा हमारे ठेले से फल फ्रूट लेते थे और फलों की तारीफ किए थकते नहीं थे। बाबूजी खो गए हैं। अच्छा अच्छा, वो कल वाली बात है। बाबूजी आप हमसे नाराज हो गए थे ना, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि आप वो पुराने वाले बाबूजी नहीं है जो हमेशा हमारी दुकान से फल खरीदते थे, वो बाबूजी कहीं खो गए, मैंने तो ऐसा ही कहा था। देखा आपने, अब तो समझ गए आप? बेटा मेंढक, हर बात के कई मतलब होते हैं, अपनी अकल से ये समझना पड़ता है कि बात कौन से संदर्भ में कही गई है। और बेटा ये मेरी फोटो सबको बांटने की सलाह तुझे किसने दी थी? बाबूजी वो जो है ना चोपड़ा साहब, जब हमने उनसे पूछा कि कोई खो जाता है तो क्या करना चाहिए, तो बाबूजी जैसा उन्होंने बताया हमने वैसा ही किया। और हाँ बाबूजी, उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस वाले को भी फोटो दे देना, कभी कभार वो भी अपना काम कर लेती है। अरियो, अरियो, अरियो। ऐसा मत कहिए, 1 साल से मेरा प्रमोशन रिन्यू है। इंस्पेक्टर साहब जी, अब आप फौरन यहाँ से रवाना हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रमोशन होने की बजाय सस्पेंशन हो जाए। और आप लोग, अगर मैं वाकई कभी खो जाऊं तो कृपया मुझे ढूंढने आ जाइएगा। अब आप लोग जाइए, ले लीजिए। हाँ। 1,00,000 रुपए चले गए। हाँ। 1,00,000 रुपए चाहिए भाई, लो, लो। मूर्ख कहीं का खामखा चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब हो गया। भाभी इसका क्या करें? अपने सर पे मार। बेटा मुझे दे दे मेरी फोटो, अपने सर पे मत मार, और सर पे कुछ मारना है तो ये डंडा पकड़ और अपने सर पे मार। हरिओम, हरिओम। चल, इतना इम्पोर्टेंट काम करने के लिए स्कूल से जल्दी घर आया टोटो टोटो, और यहाँ पे सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बाबूजी मैं जाता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। एक मिनट बेटा, इतना जरूरी काम करने से पहले आज का सबसे ज्यादा जरूरी पाठ सीख के जा। हाँ
कही हुई बात पर मत जाओ, अपनी अकल भी लगाओ। अर्थात किसी ने कोई बात कही और हमने उसको बिना सोचे समझे मान ली, ये गलत है। ऐसे कैसे बाबूजी गलत है? आप ही तो कहते हैं कि बड़ों की बात मान लिया करो, अब उनकी बात नहीं माने अकल लगाते बैठे। हाँ बाबूजी, अगर आप कहोगे कि बेटा कभी उसकी टेंशन टाइट कर तो हम कर देंगे, आप टेंशन मत लो। बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, गलत। भगवान ने अकल दी है ना, तो किस लिए दी है? क्या घर के फ्रीजर में रखने के लिए? बेटा उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाबूजी मैं भी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लो, हो गई टेंशन टाइट, अब क्या भैया और बाबूजी में होगी फाइट? एक मिनट, एक मिनट जी। तो गोमुख नारायण जी क्या कह रहे थे आप? एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन किधर है? एक कपिल मेरा फोन दे। बाबूजी एक मिनट ना। हेलो, हाँ हाँ एक मिनट बात करवाती। गोमुख भैया आपके लिए फोन है। भाभी जो भी है उसको बोलो एक सेकंड होल्ड करें, मैं बाबूजी से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर डॉक्टर बाबूजी मयूरी इस वक्त अपनी सहेली के घर गई है, इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। डॉक्टर डॉक्टर भैया बात कीजिए। अरे उसको बोलो ना एक सेकंड होल्ड करे, फुल स्टॉप। बाबूजी मयूरी मुझे बार बार अपनी तारीफ करने को बोलती है। डॉक्टर डॉक्टर मुझे पता है ये उसकी बेवकूफी है, लेकिन अगर मैं उसकी बात नहीं मानता, अपनी अकल लगाकर उसकी तारीफ नहीं करता, तो वो मुझे इतना सुनाएगी कि मेरी अकल काम करना बंद कर देगी। डॉक्टर डॉक्टर भाभी एक मिनट रुको ना। गोमुख भैया एक बार बात कर लीजिए अकल लगाकर। अरे किसका फोन है? कश्मीर मयूरी का। हाँ तो वो आप ही के फोन पे ट्राई कर रही थी, लगा नहीं इसीलिए मेरे फोन पे किया। सुन लिया शायद। भाभी तो आप पहले बोल नहीं सकते थे। कश्मीर कितने बार बोल रही हूँ फोन 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 फोन। अरे तो फोन 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 की जगह मयूरी 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 नहीं बोल सकते थे? हरिओम हरिओम मयूरी। हेलो मयूरी, लेकिन वो सुनो तो मैं तो मगर वो लेकिन वो फोन काट दिया बाबूजी। अब मयूरी मुझे नहीं छोड़ेगी। बेटा सिर्फ बात सुनते वक्त ही नहीं, बात कहते हुए भी अकल लगानी पड़ती है। और जहां तक मयूरी की तारीफ वाली बात है, तो कई बार दिमाग से नहीं दिल से काम लेना पड़ता है। बाबूजी अर्थ बाद में समझाना, अभी मैं एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करना है, इसलिए स्कूल से जल्दी घर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ बाबूजी। अरे ओ बेटा, वक्त रहते इस बात का अर्थ समझ जाए तो अच्छा है, वरना किसी मुसीबत में फंस सकता है। फंस गया बाबूजी, फंस गया। मयूरी क्या तुम सुंदर हो? क्वेश्चन मार्क। मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो क्या? क्वेश्चन मार्क। हरिओ हरिओ।
थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे इस कड़क तांडव को कोमल करने के लिए कोमल डांस इज द बेस्ट। फुल स्टॉप। पकड़ो इसे। थैंक यू। मयूरी को कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए मयूरी शांत हुई है। ये बताओ, अगर पत्नी की तारीफ करना तुम्हें बेवकूफी लगता है तो तारीफ ही क्यों करते हो? नहीं 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 मयूरी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मुझे बाबूजी की कही हुई बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी तारीफ का उदाहरण दे दिया, बस। उदाहरण तो सच का ही दिया जाता है ना। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो बोलो ना, अरे बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौवा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। झूठी तारीफ करना, आज के बाद तुम मयूरी की तारीफ नहीं करोगे। सच्ची? क्वेश्चन मार्क? सच? क्वेश्चन मार्क? हो लो खुश और इस बात को दिमाग में कर लो पुश। आज के बाद अगर तुमने मयूरी की गलती से भी तारीफ कर दी तो मयूरी ऐसा तांडव करेगी कि तुम्हारा कोमल डांस भी कुछ नहीं कर पाएगा। मयूरी पसीना पोछ लो। मयूरी आज का दिन बहुत बुरा गुजरा डॉक्टर का, पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। मैं भी कैसी दत्यानुसी बातों पर विश्वास कर रहा हूँ, रात भर मन लगा के काम करूंगा तो कल की सुबह एक नई रोशनी की किरण लेकर आएगी। डॉट 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 डॉट। बस आपका फोन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इतनी रात को। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, क्वेश्चन पेपर के 2 सेट तैयार हो गए हैं। हाँ सर, तीसरा भी हो जाएगा रात भर में। हाँ सर, सुबह आपको मिल जाएंगे। फुल स्टॉप। क्या आप सुबह प्यून को घर भेज रहे हैं तीनों क्वेश्चन पेपर के सेट कलेक्ट करने? ओके सर, फुल स्टॉप। सर एक रिक्वेस्ट है सर, सर अगर आप परमिशन दे तो मैं कल सुबह थोड़ा लेट आ जाऊं स्कूल। क्वेश्चन मार्क। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अच्छा है, कल सुबह आराम से उठूंगा और आराम से स्कूल जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। प्यून आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर के 3 सेट लेके स्कूल चला जाएगा। डॉट डॉट डॉट। वैसे प्रिंसिपल साहब की बातों से लग रहा है कि मुझसे काफी खुश हैं। डॉट 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 डॉट। गोमुख बेटा, पहले तो आदमी रात भर काम करे और फिर सुबह देर तक सोता रहे, ये तो कोई बात नहीं हुई बेटा। गोमुख, गोमुख। फिर मैंने सबसे पहले बाबूजी का चेहरा देखा। फुल स्टॉप। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।